कहां तो के चंद्रशेखर राव टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने के बाद पीएम बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि तेलंगाना की गद्दी बचाने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। वजह, तेलंगाना में तेजी से बढ़ता बीजेपी का ग्राफ है और एक के बाद एक नेताओं का इस्तीफा। केसीआर को ताजा झटका तब लगा जब पूर्व सांसद बुरा नरसैया गौड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को अपना त्याग पत्र भेजा। माना जा रहा है कि बुरा नरसैया गौड़ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में शामिल होने के लिए किसी का भी स्वागत है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने ट्विटर का सहारा लिया और नरसैया गौड़ की प्रशंसा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जिसने कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। भूमि हथियाने या अपराधों के लिए प्रसिद्ध नहीं था और शराबी नहीं था। उन्होंने बुरा नरसैया गौड़ को एक उच्च शिक्षित व्यक्ति, एक वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बताया। माना जा रहा है कि मुनुगोड़े उपचुनाव के लिए गौड़ को टीआरएस से टिकट मिलने की उम्मीद थी। वह कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारने के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के फैसले से नाखुश थे। नरसैया गौड़ तेलंगाना के प्रमुख ताड़ी टप्पर समुदाय से आते हैं। यह समुदाय मुनुगोड़े उपचुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। गौड़ के समर्थक शुरू में अपर कास्ट उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी को मैदान में उतारने के पार्टी नेतृत्व के फैसले के खिलाफ थे। मुनुगोड़े सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। कांग्रेस विधायक कोमाती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के 2 अगस्त को विधायकी से इस्तीफा देने के बाद मुनुगोड़े में उपचुनाव जरूरी हो गया था। उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है और मुनुगोड़े से उसके टिकट पर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में पलवई सरवंती को मैदान में उतारने का फैसला किया है।